वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, नए ट्रेंड नए डिजाइन आते हैं और वही बदलाव कस्टमर्स अपने घर पे लाते हैं। रिनोवेशन होता है तो वो पेंटिंग करवाते हैं, पर्दे अपहोल्स्ट्री ये सब बदलते हैं, पर क्या चीज नहीं बदलती? फर्नीचर, खास तौर पर फिक्स्ड फर्नीचर जैसे वॉल या सीलिंग पैनल, टीवी यूनिट, वार्डरोब या फिर किचन कैबिनेट। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुराने लैमिनेट को उखाड़ कर उस पर नया लैमिनेट लगाना यानी कि ज्यादा समय, ज्यादा खर्चा और उससे भी ज्यादा झंझट। इसीलिए कस्टमर्स ये कदम ही नहीं उठाते। इतना ही नहीं, आप भी ऐसी साइट्स पर काम लेने से कतराते हैं जहां पर इतनी झंझट हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप पुराने लैमिनेट को उखाड़े बिना उस पर नया और शानदार लैमिनेट लगा सकते हैं और उसे लगाकर अपने कस्टमर के पूरे घर का लुक बदल सकते हैं, इतना ही नहीं आपको भी पुराने लैमिनेट को उखाड़ने की झंझट से छुटकारा मिले, तो आप पूछेंगे कि कैसे? फेविकॉल रीलैम्प से। देखिए, फेविकॉल रीलैम्प दे पुराने लैमिनेट पर नए लैमिनेट को फिक्स करने की आजादी, वो भी एकदम आसानी से। तो अब देर किस बात की, चलिए देखते हैं फेविकॉल रीलैम्प को इस्तेमाल करने का सही तरीका। जिस पुराने लैमिनेट पर नया लैमिनेट लगाना हो उसकी सरफेस को पहले अच्छी तरह जांच ले, ग्रीस या तेल को साफ कर ले। ध्यान रहे कि लैमिनेट की सतह एक समान हो, उसमें कोई बबल्स ना हो, कहीं से उखड़ा ना हो और कोई क्रैक भी नहीं हो। अब इस लैमिनेट कटर से सरफेस पर ऐसा चीरा लगाइए, ध्यान रहे हर चीरे के बीच आधा इंच का फासला होना चाहिए। अब पुराने लैमिनेट को एक साफ कपड़े से अच्छे से साफ कर ले। फेविकॉल रीलैम्प के कार्ट्रिज के नोजल को बीचों बीच काट ले और कार्ट्रिज को सीलेंट गन में लोड करें। अब इस गन से फेविकॉल रीलैम्प को चीरों पर लगाइए। अगर सरफेस पर कहीं छेद हो तो वहां ज्यादा ग्लू डालकर उसे भर ले। अब इस फेविकॉल रीलैम्प को इस बड़े दांतों वाले स्प्रेडर से फैलाइए। अब नए लैमिनेट को पुराने लैमिनेट के सरफेस पर फिक्स कर ले। अब एक साफ कपड़े की मदद से लैमिनेट पर उचित प्रेशर डाले। अब लैमिनेट को एक बार उठाकर देख ले कि ग्लू नए लैमिनेट पर ट्रांसफर हो गया है या नहीं। अगर कहीं ग्लू ट्रांसफर नहीं हुआ हो तो वहां वापस प्रेशर दे, जिससे सही मात्रा में ग्लू ट्रांसफर हो जाए। अगर लैमिनेट कहीं से उठने लगे या किसी मरोड़ को कवर करने की जरूरत हो तो सिर्फ उसी जगह पर मास्किंग टेप लगाइए, ताकि इन जगहों पर भी बॉन्डिंग अच्छे से हो सके। मास्किंग टेप लगाते वक्त ध्यान रहे आपके हाथ एकदम साफ हो। 6 से 8 घंटे बाद आप रंधा कर सकते हैं और 24 घंटे बाद कटिंग कर सकते हैं। तो देखा आपने, लैमिनेट चाहे कितना भी पुराना हो, हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल, अब बिना पुराना लैमिनेट उखाड़े उस पर नया और शानदार लैमिनेट लगाइए और अपने कस्टमर्स को फेविकॉल रीलैम्प से एक नया घर दीजिए।